أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورة توبہ دی آیت مبارکہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ دی اس آیا مبارکہ دے اندر اونا لوگاں دے انعام دا اور مقام دا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا دے اندر اللہ دے راستے دے اندر لوجہ اللہ رضائے الہی واسطے مال و جان دا نظرانہ پیش کر دینے بی انا لہم الجنہ اونا واسطے اللہ نے اپنی جنات دا وعدہ فرمایا ہے اور اے او تجارتے او نفع والا سودا ہے کہ جیدے اندر خسران اور نقصان کوئی نہیں بلکہ نفع دا ہی سامان ہے اور اے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ دہان نجات دا اے بہترین ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اساں ایک دن مدینہ تو باہر ایک مقام تے موجود ساں اور دوران گفتگو اس بات دا تذکرہ ہو رہے آئے کہ او کیڑا عمل ہے جیدے تے عمل پیرا ہون دی وجہ تو نار جہنم تو خلاصی بھی ہو جائے اور اللہ دی جنت دی آبادی بھی ہو جائے. صحابہ کرام محو گفتگو نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان نو ویکھیا اور اونا دے دل دے اندر جنت دی طلب اور رضاہ الہی دی
लगन उन्हां दे दिल दे अंदर वेखी तो रब्बे कायनात ने ऐसे अमल दा तस्कीरा फरमाया कि जेड़ा अमल अल्लाह दे हां कामयाबी दी जमानत है, नजात दा जरिया है और नारे जहन्नम तो भी निजात मिलेगी, रब्बे कायनात दी जन्नत दे दाखले भी मिलनगे। ओ अमल केड़ा है? सूरतु सफ दे अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, रब्बे कायनात ने अपनी किताब कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, मेरे नबी करीम अली सलाम दे कल्ब मुबारक ते अल्लाह दा कुरान आया। अल्लाह फरमांदे ने ए लोग जिन्ना दी ए फिकर है, जिन्ना दी ए तमन्ना है, जिन्ना दी ए चाहत और आरजू है कि नारे जहन्नम तो बचिया जाए, अल्लाह दी जन्नत दे दाखले मिल जान। और मेरे भाई कुरान ते पढ़ के वेखना, ए होई हकीकी कामयाबी है। कामयाबी दौलतां दे अंदर नहीं, कामयाबी ओहदे ते मनसब दे अंदर नहीं, दुनिया दे मालो मनाल दे अंदर नहीं, कामयाबी और इज्जत हुस्नो जमाल दे अंदर नहीं। फरमाया कामयाबी किवें मिलेगी? फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़कद फ़ाज़। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दी जहन्नम तो बचा लिया गया और जन्नत दे अंदर दाखल कर दिता गया, ओ ही बंदा कामयाब है, ओ ही बंदा इज्जत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक किताब दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोग तुहाडे कोलों इस बात का सवाल करदे ने कि केड़ा अमल है जिस अमल दी बदौलत नारे जहन्नम तो खुलासी हो जाए और अल्लाह दी जन्नत दे दाखले मिल जान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आओ तुहानू मैं एक ऐसा अमल दसां, ऐसी तिजारत दसां, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। फरमाया आओ तुहानू एक ऐसा अमल दस दें कि जेड़ा अमल तुहानू अल्लाह दे हां कामयाबी दी गरंटी दे रहा है, वह केड़ा अमल है जिदी रहनुमाई अल्लाह कर रहा है, जिस नफे वाले सौदे दे वल तवज्जो मेरे परवरदिगार ने दिलाई है, और ऐसी तिजारत है जिदे अंदर नुकसान कोई नहीं, जिदे अंदर घाटा कोई नहीं। ए दुनिया के अंदर जेड़ी भी तिजारत करो, इन्हां तिजारतां दे अंदर नफा भी हुंदा है, नुकसान भी हुंदा है। मेरे भाई ये दोवें चीज़ां नाल नाल चलदियां ने, लेकिन जेड़ा वादा अल्लाह दे नाल कीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदियां नूं जेड़ी नवीद सुनाई है, फरमाया वो केड़ा सौदा है, वो केड़ा अहद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमाया लितु उमिनू बिल्लाही व रसूलिही। फरमाया पहले नंबर ते अल्लाह ते ईमान लैके आओ और उदे रसूल ते ईमान लैके आओ। अल्लाह ते ईमान लियान तो मुराद की है अल्लाह रब्बुल आलमीन नू ओदियां सिफात दे अंदर, अल्लाह नू उस दी जात दे अंदर, अल्लाह नू उस दियां सिफात दे अंदर, अफाल दे अंदर तनहाओ यकता तस्लीम करना है और अकीदा रखना है। ओ
ही अला कुल्ली शईन कदीरे, ओहो ही दस्तगीरे, ओहो ही फालुल्ली मा युरीदे, ओहो ही मुश्किलां हल करने वाला है, ओहो ही हाजत रवाइयां करने वाला है, ओहो ही दुआवां सुनने वाला है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तअलमून। फरमाया ये सौदा बहुत ही कामयाबी दा है, तुहाडे वास्ते बहुत बेहतरी दा है अगर तुसी जान लो। अल्लाह फरमांदे ने ऐ तुहानू जिहड़ा मैं जिस्मो जान दिता है, अपनी जान नू ते अपने अमवाल नू अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च करो। मालो जान दा नजराना अल्लाह दे रास्ते दे अंदर पेश करोगे, अल्लाह बदले दे अंदर तुहानू अपनी जन्नतां दा मालिक बना देवेगा। और सूरह तौबा दी इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहो ही बशारत दिती है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदियां दे विचों जिन्ना ने अपनियां जाना भी और अपने माल भी अल्लाह दे रास्ते दे अंदर पेश कर दिते ने, अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हां दे नाल जन्नत दा वादा कर लिया है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे रास्ते दे अंदर कट जाने वाले मेरे दुश्मनां नू अल्लाह दे दीन दे दुश्मनां नू कतल कर देने वाले और दुनिया दे अंदर इस्लाम दे निफाज वास्ते इस्लाम दे बोलबाला वास्ते अपनी जान ते अपना माल पेश कर देने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तबशीरू, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत दे रहे ने भी बईकुम लज़ी बाया तुम बेही वज़ालिका होवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने उमिरतु अन उकातिल नास हत्ता यकूला ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया मैनू हुक्म दिता गया है, मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं उन्नी देर तक लोगों के नाल जिहाद करदा रवां, उन्नी देर तक लोगों के सामने हक का पैगाम सुनांदा रवां, उन्नी देर तक अपना सीना तान के लोगों के सामने कलमा हक की सदा बुलंद करदा रवां, जिन्नी देर तक लोग अपनी जुबान तो अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं कर लेंदे और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा इकरार नहीं कर लेंदे और जदों तक नमाज कायम करना जकात देना हज्जे बैतुल्ला ए इस्लाम दे बुनियादी अरकान और बुनियादी जड़े सतून ने इन्हां ते ईमान नहीं लै आउंदे, उन्नी देर तक मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है कि अपनी दावत इन्हां नू पेश करदा जावां। हालात जैसे भी होवन, तंगी होए खुशहाली होए, मेरे भाई मौसम जैसा भी होए, हालात जिस कदर भी परेशान कुन क्यों ना होन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी जिम्मेदारी लगाई है और कुरान की कहंदा है। अल्लाह फरमांदे ने सुनो ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो कुल इनकाना आबाउकुम वा
अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुनिक तरफ्तुमूहाम व तिजारतुन तक्षऊन कसादहाम व मसाकिनु तर्जऊनहाम अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फरमाते ने कह दीजिए ऐ मेरे नबी ऐलान फरमा दीजिए, ऐ मेरे सोने नबी पैगाम सुना दीजिए। कायनात दे अंदर लैने वाले जितने भी मोमिनीन मुस्लिमीन ने इन्हां नूं अल्लाह दा पैगाम सुनाओ। फरमाया तुसी कायनात दे अंदर अगर इन्हां दुनियावी रिश्तिया नूं दुनिया दे अंदर अपनी औलाद नूं अपने माई बाप नूं अपने आए जाकरेबा रिश्तेदारानूं और जिहड़ियां तिजारतां तुहानूं पसंद ने और जिहड़ियां इमारतां दे अंदर तुसीं जी ला के बैठे हो, फरमाया ए खजाने ए दुनिया दियां सारियां नेमतां फरमाया तुहानूं अल्लाह ते उस दे रसूल तो मुकद्दम हो गईयां। अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद करन तो ज़्यादा मुकद्दम हो गईयां। फरमाया फता रब्बासू फिर तुसी वेखोगे किते मशरक दे अंदर किते मगरब दे अंदर तुहाडी जिंदगी दे अंदर शमालो जनूब दे अंदर दुश्मना दी ताकत कमजोर हो जाएगी। ए तुहाडे ते जुलम करनगे तुहाडा जीना इस दुनिया दे अंदर महाल हो जाएगा। जदों तुहाडे दिल दे अंदर औलाद दी मुहब्बत वालिदैन दी मुहब्बत और दुनिया दे अंदर मालो मनाल दी मुहब्बत तिजारतां दी मुहब्बत अल्लाह ते उहदे रसूल तो जिहाद फी सबीलिल्लाह तो ज़्यादा हो जाएगी। फरमाया उदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों अजाब आनगे तरह तरह दियां मुश्किलात दा सामना करना पेगा तुहाडियां सरहदां गैर महफूज हो जाणगियां और दुनिया दे अंदर खुशहालियां अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेगा। मुसलमाना ते जुल्मो सितम कीता जाएगा और एक गल याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया है सूरतुल अनफाल अल्लाह फरमाते ने वत्ताकू फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों फितने आनगे आजमैशा आनगियां इम्तिहानात आनगे परेशानियां आनगियां और फरमाया जदों दुनिया दे अंदर जुल्म होएगा मुसलमाना ते जुल्म व सितम ढाया जाएगा उदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पकड़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी गिरफ्त इस अंदाज दे अंदर आएगी कि उस फितने दे अंदर सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि ओ लोग भी उस गिरफ्त दे अंदर उस फितने दे अंदर जकड़े जाएंगे कि जेड़े जुलम ते खामोश रहने वाले मजालम ते अपने मुसलमान मजलूमीन दा साथ ना देने वाले। समझिए कुरान करीम दी इस आयत नू फरमाया कि जदों अल्लाह दी पकड़ आउंदी ए जालिमां दे नाल ओ लोग जेड़े जुलम तो मेरे भाई रोकन दे अंदर अपना किरदार अदा नहीं करते बुराई दी रोकथाम लई जुलम दे रोकथाम लई अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मदद नहीं मंगते। फरमाया एक वेला वह भी आएगा वह भी अल्लाह दी पकड़ दे अंदर आ जाएंगे। इस वास्ते मेरे भाई बुराई दी रोकथाम वास्ते जुलम दी रोकथाम वास्ते ना हर मुसलमान नूं अपना किरदार अदा करना जरूरी ए। मैं कुर्बान जावा मेरे और तुआडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सिफतां मां खतीजा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी तुसी गमनाक क्यों हो गए जे तुसी क्यों परेशान जे कल्लाम वल्लाही ला युखजी कल्लाहु आबादाम मैनू अल्लाह ते यकीन है अल्लाह तुआडे ते कोई गमी नहीं आन देवेगा अल्लाह तुहानू तनहा नहीं छोड़ेगा अल्लाह तुहानू परेशान नहीं होन देवेगा अल्लाह तुहानू रुसवा नहीं करनगे बल्कि इज्जत इज्जत ही अता करनगे क्योंकि तुहाडे अंदर खूबियां केड़ियां ने इन्ना काला तासिलुर रहीमी व तहमीलुल कलाम व तुकरीउ ज़ईफ व तकसिबुल मादूम व तुईनु अला नवाई बिल हक हजरत अम्मा खतीजा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी तुसी सिला रहमी करदे हो तुसी कमजोरां नूं कमा के खिलांदे हो तुसी मेहमानां दी मेहमान नवाजी करदे हो तुसी हक बात वास्ते सीना सपर हो जांदे हो तुसी मजलूमां दी मदद करदे हो जिहदे अंदर इन्नियां खूबियां होन जिहदे अंदर इन्नियां सिफतां होन ओ अपने लई सिला रहमी करन वाला भी होवे दूरों चल के आन वाले मेहमानां दी मेज़बानी करने वाला भी होवे दुखियां दे दुख और उन्हां बेसहारा दा मेरे नबी करीम अली सलातों सलाम ने बोझ उठाया है मजलूमां दा मेरे पाक नबी ने साथ दिता है अल्लाहो अकबर अल्लाह जिदे दिल दे अंदर इन्नी नरमी होए इन्नी उहदे दिल दे अंदर मुहब्बत होए अल्लाह दी अल्लाह इंज दे बंदियां नूं कदे जाया नहीं करदा अल्लाह इज्जतो अजमत दे नाल नवाज देंदा है आओ सुनना मेरे भाई कुरान ऐलान कर रहा है वत्ताकू फितना तन बच जाओ डर जाओ उस फितने तो उस अल्लाह दी पकड़ तो उस आजमाइश तो बच जाओ ला तुसी बन लजीना जालमू के जिदा आज जिदी आजमाइश जिदा वबाल सिर्फ जालिमा ते नहीं होएगा बल्कि उस वक्त दे अंदर जेड़े अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जज्बा जिहाद पैदा ना करनगे मजलूमीन दी नुसरत वास्ते आवाज नहीं उठानगे अपना किरदार अदा नहीं करनगे अल्लाह फरमांदे ने उन्हां दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंजाम जिक्र कीता है फरमाया जालिमां दे नाल ओह भी अल्लाह दी गिरफ्त दे अंदर आ सकदे ने इस वास्ते मेरे भाई दुनिया दे अंदर तेरे हुंदिया मुसलमाना ते जुल्मो सितम कीता जाए दीन इस्लाम ते पाबंदियां लगाईयां जान किते कश्मीर दे अंदर फलस्तीन दे अंदर इराक दे अंदर पाकिस्तान दे अंदर तेरियां सरहदां ते मुसलमाना नूं जुल्मो सितम दे नाल दो चार कीता जाए साढ़े दिल दे अंदर उन्हां दी मुहब्बत ते उन्हां दे वास्ते जज्बा जिहाद पैदा ना होया मेरे नबी करीम अली सलातो सलाम ने फरमाया ओ बंदा जेड़ा दुनिया दे अंदरों इस हालत दे अंदर मरिया कि ओदे दिल दे अंदर जज्बा जिहाद नहीं सी शौके शहादत नहीं सी फरमाया ओ निफाक दी मौत मरदा है इस वास्ते मेरे भाई मुसलमान मौत तो नहीं डरदा मुसलमान अल्लाह दे दीन दे बागियां दे नाल कट मरन दा जज्बा रखदा है मैं कुर्बान जावा मेरे नबी पाक दे सहाबा दे वाकयात ते पढ़ना अल्लाह दी कसमे चंद लोग सताए गए चंद लोग आजमाए गए चंद लोग परेशान किए गए मेरे नबी पाक दे सहाबा लश्कर दी सूरत दे अंदर जालिमां ते मेरे नबी पाक दे सहाबा ने जुलम करन वालियां ते इन्हां ते नबी पाक दे सहाबा ने तलवार उठाई हाथ दी ताकत दे नाल रोके आए जुबान दी ताकत दे नाल रोके आए अल्लाहो अकबर अल्लाह कौन मेरे नबी पाक दे सहाबा नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे
ने दिलां दी ओ ठंड नाले अखियां दे तारे ने। कौन से हाबा इधर तकना जरा जिन्ना दा ईमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब दे अंदर बयान फरमाया फरमाया फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ए बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह दे दीन वास्ते, मजलूमीन दी नुसरत वास्ते, इलाए कलिमातुल्लाह वास्ते, बुराई दी रोकथाम वास्ते, अल्लाह दे दीन दे वास्ते निकलना। मैं कुर्बान जावा कौन सहाबा है। उठाओ मेरे नबी पाक दे सहाबा दी सीरत जिन्ना मेरे नबी पाक दी एक आवाज़ ते लब्बई कहिंदिया होया मुसलमाना ते जुल्मो सितम दा खात्मा करन लई जान दा नजराना भी पेश कीता है, माल दियां कुर्बानियां भी पेश कीतियां ने। नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे ने, दिलां दी ओ ठंड नाले अखियां दे तारे ने। नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे ने। और सहाबा दा ईमान वेख लै जरा, दीन दी खातर ओना वारियां जवानियां, दीन दी खातर ओना वारियां जवानियां, दीन दी खातर ओना वारियां जवानियां, माल औलाद दियां दितियां कुर्बानियां, नबी दी मोहब्बत अंदर वतन वसारे ने। नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे ने। अजमत सहाबा दसी सानू रब दे रसूल ने, पाक जुबानों क्या नबी मकबूल ने। साथी मेरे इंज जिवें फलकां दे तारे ने, नबी दे सहाबा सानू जान तो प्यारे ने। आओ चंद नबी पाक दे सहाबा दे तज़कार ते सुनोना, कौन मेरे नबी पाक दे सहाबा जिन्ना ने मजलूमीन दी मदद वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मदीना तो रसूल है मेरे नबी पाक दे पाक बा सहाबा दी जमात है। एक बस्ती वालिया ने मेरे नबी पाक दे सहाबा किराम दे हुंदियां एक इलाके ते हमला करना चाहिया, इन्हां ते जुल्मो सितम करना चाहिया। मेरे नबी पाक दे सहाबा इलम दी मजलस लगा के बैठे ने, इधरों पैगाम देने वाले ने पैगाम दिता कि फलां इलाके दे अंदर फलां बस्ती दे अंदर अल्लाह दे दीन दे दुश्मना ने मुसलमाना नू अजियत देना शुरू कीती है, उन्हां ते परेशानियां दा सामना करना पै रहा है। अल्लाह दे नबी दे सहाबा दा ईमान वेख लै, मेरे नबी पाक दे सहाबा ने इलम वाली मजलस नू खत्म कर दिता है ते अल्लाह दे दीन दे दुश्मना दे मुकाबले वास्ते सीना सपर हो गए, जिन्ना दे बारे कुरान कहिंदा है इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। फरमाया कौन से सहाबा जिने अल्लाह दे दीन दे वास्ते फरमाया मजबूत दीवार बन जांदे ने, इंज सफ़ां दे अंदर खड़े हो जांदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज मुसलमाना ने 5 फरवरी दा दिन मेरे भाई अपने घर दे अंदर और अपनी मुहब्बत दा इजहार करके एक सोशल मीडिया ते तस्वीर वायरल करके मेरे भाई अपनी मुहब्बत दा और 5 फरवरी दा हक अदा करन दी कोशिश करनी है।
सुन मेरे भाई, ओनी देर तक ना आजादी नहीं मिलेगी, ओनी देर तक मेरे भाई मसले हल नहीं होंगे, ओनी देर तक मेरे भाई हिंदू ते इस गैर मुस्लिम दी ताकत तो नजात नहीं मिलेगी। जिन्नी देर तक दिल दे अंदर इतफाक को इतहाद पैदा ना होया, जिन्नी देर तक शौके शहादत पैदा ना होया, जज्बे जिहाद पैदा ना होया, मेरे नबी करीम अली सलाम दे सहाबा दा ईमान वेख लै। हजरत अबू तलहा कहो रजी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सारी जिंदगी नबी पाक अली सलाम दे नाल जंगा दे अंदर खड़े रहे, बदर दे अंदर, उहद दे अंदर, तबूक और खंदक दे अंदर, खैबर दे अंदर। हज़रत अबू तलहा जिथे जिथे मेरे नबी पाक ने उत्थे मेरे नबी पाक दा दिफा करदे नज़र आ रहे ने। एक वेला वह भी आया, एनू जज्बा जिहाद कहिंदे ने, सूरह तौबा दी तिलावत हो रही है, आप ते बढ़ापा आ गया, असी ते कहने सानू जिहाद वाला मौजू ही ना सुनाया जाए, असी जानते ही नहीं कि जिहाद किनू कहिंदे ने, असी ते जिहाद दे नाम तो उंजी डर जाने। सुनो कुरान दियां तां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरियां तियां पूरियां सूरतां बगैर बिस्मिल्ला तो सूरह तौबा आई, अल्लाह ने सारियां सूरतां दा मौजू ही जिहाद रखे आए। मसले मुजाकरात दे नाल हल नहीं होने, मसले सिर्फ बैनर उठा के हल नहीं होने, मसले सिर्फ पोस्टा शेयर करके हल नहीं होने। जिन्नी देर तक दिल दे अंदर जज्बा जिहाद पैदा ना कीता जाए, अल्लाह की कसम है कौन मुहम्मद बिन कासम है कि जेड़ा 17 साल का नौजवान है, इस नौजवान ने जो अपने कन्ना दे अंदर मजलूमीन की सदा सुनी कि इंदी जवानी देंदर इंदी जिंदगी देंदर मजलूमां ते जुलम ढाए जा रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, ए नौजवान दिल देंदर जज्बाए जहाद लैके उठिया, शौके शहादत दिल देंदर लैके उठिया, फिर तारीख दियां किताबां देंदर मुहम्मद बिन कासम दी तारीख नू लिखिया गया है। अज अल्लाह अकबर अल्लाह नौजवानां नू मुहम्मद बिन कासम महमूद गजनवी जैसे हीरोज़ दे तज़का क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे, इन्हों ड्रामे क्यों दिखाए जा रहे ने, इन्हों फिल्मा ते मूवियां क्यों दिखाई जा रही ने कि इन्हों दे दिल दे अंदरों मुसलमान जड़े हीरोज ने, मुजाहिदी ने, इस्लाम ने, जिन्ना अल्लाह दे दीन दी खातर कुर्बानियां पेश कीतियां ने, उन्हों दे तस्कार पढ़नगे ते दिल दे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा होएगा, और इन्हों आयात और इन्हों दी सीरत किरदार ते पाबंदियां लगाई जा रही ने। मुसलमान तेरे असल हीरो कौन ने, आ मैं दसना चाहना। हजरत अबू तलहा कहो रजी अल्लाह तआला बढ़ापे दी उम्र नूं पहुंच चुके ने, ते कुरान दी ए आयत पढ़ रहे ने, इन फिरू खिफाफन वसीकाला वजाहिदू फी सबीलिल्लाही बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा दी इस आयत के अंदर फरमाया, फरमाया तुसी ताकतवार हो तां भी, कमजोर हो तां भी, तुसी सेहतमंद हो, तुसी बीमार हो, जवान हो, बूढ़े हो, हल्के हो, बोझल हो, हालात जैसे भी ने, फरमाया अपने मालां दे जरिए और अपनी जाना दे जरिए राह खुदा दे अंदर जिहाद करना है। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो दी औलाद जवान हो गई, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने मेरे नबी पाक अली सलाम दे नाल बदरो ओहद दे अंदर साथ दिता है, बढ़ापे दे अंदर भी जज्बाए जिहाद दे अंदर कमी नहीं आई, शौके शहादत कैसा है, कुरान दी आयत पढ़ी, इन फिरू
खिफाफन वसी काला। अल्लाह दे रास्ते दे अंदर बूढ़े हो जवान हो, तंदरुस्तों बीमार हो, कमजोर हो, छोटे हो, बड़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, निकलो अल्लाह दे रास्ते दे अंदर। अल्लाह निकलांगे की होएगा, फरमाया निकलना तुहाडा काम है, जज्बाए जिहाद पैदा करना तुहाडा काम है, दुश्मना दे सामने मजबूत दीवार बनना तुहाडा काम है, सीना तान के खड़े होना तुहाडा काम है। तुसी एक होवोगे, मैं वीआं काफरां ते मुसलमानां नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्ना रोब दिता है। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडे तो कई गुना जमात नू तुहाडे तो शिकस्त अता कर देंगा, लेकिन जज्बाए शहादत और जज्बाए जिहाद पैना होना चाहिदा है। आओ मेरे भाई, मैं अर्ज करना चाहना, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक कुरान दी आयत पढ़ी, कुरान दी तिलावत मुकम्मल कर ली, ते आपने अपनी तैयारी राहे खुदा दे अंदर कट मरन दी कर ली है। आपने अपना बोरिया बिस्तर बनया है, आप राहे जिहाद वास्ते निकल दे पे ने। मेरे भाई जरा अकीदत दे नाल सुनना, नबी दे गुलामा दा तज़किरा, हजरत अबू तलहा दे दिल दे अंदर जिहाद दा शौक बुढ़ापे दे अंदर भी कमजोर नहीं होया। आप फरमाते ने मेरे बेटो, लो मैं तुहानू अल्लाह दी अमान दे अंदर देना, ते मैनू अल्लाह ने बुला लिया है इस वास्ते हुण मैं तुहाडे च दिल नहीं लाना, मैं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद लई निकल रहा। पुत्रा आखिया, अब्बा जी हुण तुहाडियां वारियां नहीं, हुण साडियां वारियां ने, तुसी अल्लाह दे नबी जी दे नाल बदरो ओहद दे अंदर तबूक खंदक खैबर दे अंदर नबी पाक दा साथ दिता है, तुसी हुण बूढ़े हो गए हो अब्बा जी, इसलिए तुसी घर रवो, असी जिहाद लई निकलांगे ते मैं कुर्बान जावां। हजरत अबू तलहा ने कुरान दी आयत पढ़ी, इन फिरू खिफाफन वसिकाला। ओए मेरे बच्चों, तुसी मैनू कह रहे हो तुहाडी अल्लाह नू लोड़ नहीं, तुसी बुजुर्गों घर बैठो, अल्लाह ने तुहाडे ते जिहाद माफ़ कर दिता है। मैं ए आयत पढ़ना, ए आयत मैनू अल्लाह दी तरफों निदा दे रही है, इन फिरू खिफाफन वसीकाला वजाहिदू फी सबीलिल्लाही बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। लो मेरे बेटो, मैं हुण अल्लाह दी सुपुर्द होन लगा, मैं तुहाडे च नहीं रहना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान दे अंदर बूढ़िया तो भी जिहाद का मुतालबा किया है। कौन? हजरत अबू अयूब अंसारी ने कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा। तुहानू ये सुनाया जाता है कि हजरत अबू अयूब अंसारी मदीने दे अंदर नबी पाक दे मेज़बान सन, जिन्ना दे घर दे अंदर नबी पाक ने मदीने च सब तो पहले डेरा लाया, लेकिन तुहानू ये नहीं सुनाया जाता कि हजरत अबू अयूब बढ़ापे की हालत के अंदर ओ जंग हजरत अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो दे दौर के अंदर जड़ी जंग हुई, जिदे बारे आपने फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यगज़ून अल बहरा फकद औजबू। फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जड़ा समंदर के अंदर जिहाद करेगा, मैं अल्लाह का नबी अल्लाह वालों कह रहे हैं कि अल्लाह उन्हें सारे मुजाहिदीन ते जहन्नम हराम करके जन्नत वाजब फरमा देवेगा। हजरत अबू अयूब अंसारी नबी पाक दे मेज़बान ने, मेरे नबी पाक दे गुलामा दे विचों मदीने दे अंदरों पहला नाम आया हजरत अबू अयूब दा। बूढ़े हो चुके ने, बाहरी बेड़ा तैयार हो गया, हजरत अमीरुल बर्री वल बहर अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो दी हकूमत कायम होई, ते नबी पाक दे सहाबा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल दे अंदर जज्बा कैसा रखिया है, बढ़ापे दी हालत दे अंदर हजरत अबू अयूब अंसारी इस गजवे दे अंदर शरीक होए, इस जंग दे अंदर शरीक होए। और तुसी पढ़ के ते वेखो ना कौन अबू अयूब अंसारी है, बुखारी शरीफ
दे अंदर लिखे आए कि आप दी सवारी ने आपनू गिराया और हजरत अबू अयूब अंसारी बढ़ापे दी हालत दे अंदर मैदान जिहाद दे अंदर जज्बाए शहादत लैके शहादत दा रुतबा पा के अल्लाह दे नाल मिले और हजरत अबू अयूब अंसारी नू उस जिहाद दे रस्ते दे अंदर हजरत अबू अयूब अंसारी दा दफीना बना दिता गया है। मैं कुर्बान जावां मेरे नबी दे सहाबा दा जज्बा ते वेखना। हजरत अबू तलहा कह रहे ने मेरे बेटो मैनू तुसी इजाजत दियो, मैं तुहानू अल्लाह दी अमान दे अंदर देना ते मैं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद वास्ते जा रहा। आपने अपना समान आपने अपनी जिरा तलवार नाल लईए इंज करके ना अपनी बस्ती ते इलाके नू छोड़ रहे ने। दस हाँ जरा मेरे नबी पाक दे सहाबा दे दिल दे अंदर औलाद दी मुहब्बत नहीं सी, अहलो अयाल दी मुहब्बत नहीं सी। और एक कौन अबू तलहा है जिदे मदीने दे अंदर मुतअद्दद बागात सी। मैं सीरत दी एक किताब दे अंदर पढ़िया है हजरत अबू तलहा दे 16 बागात सन मदीने दे अंदर। मालदार से आबी अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत दिता है, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर बड़ा खर्च करते सी ते कुरान दी आयत नाजल हुई अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जे तुसी चंगी चीज खर्च करोगे अल्लाह उन्ना ही ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। ऐ जो कुरान दी आयत नाजल होई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया तुसी नेकी दे बुलंद रुतबे नू नहीं पहुँच सकते जिन्नी देर तक अपनी पसंदीदा चीज़ नू पसंदीदा चीज़ नू अल्लाह दे राह च खर्च करना है। ते हजरत अबू तलहा दे ना 12, 14, 16 बगात दे विचों ओ बाग जिहड़ा मस्जिद नबी दे बिल्कुल मुत्तसिल सी और एदा पानी भी बड़ा शीरी सी, नबी पाक भी इत्थे दमे कदम हुंदे सी। जदों कुरान दी ए आय सुनी हजरत अबू तलहा ने अपने बगात दे विचों सब तो बेहतर बाग अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च करन दा अहद कीता है। मेरे नबी पाक अली सलाम ने फरमाया ओए अबू तलहा इत्थे तू अपनी पसंद दा एक बाग खर्च कीता है, अल्लाह ने जन्नत दे आला बगात दा तेनू मालक बना दिता है। सहाबा ने माल भी पेश कीता है, जाना भी पेश कीतिया ने। मेरे भाई 5 फरवरी का दिन यौमे यकजहती है कश्मीर दे हवाले दे नाल हर मस्जिद तो काफले ते रैलियां निकल दिया ने अपनी अपनी मुहब्बत का इजहार करके ऐ लोग अपना फर्ज अदा कर देंदे ने। मेरे भाई कदे 10 मैनू रात दी तरीकी दे अंदर कदे तू अपनी नमाजा दे अंदर कनूत भी कीता है, दुआ भी कीती है अपने सिदके दिल दे नाल अल्लाहो अकबर अल्लाह। मेरे नबी करीम अली सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान दा भाई है चाहे वो मिस्र दा रहन वाला है, फलस्तीन दा रहन वाला है, कश्मीर दा रहन वाला है, पाकिस्तान दा रहन वाला है, मुसलमान मुसलमान दा भाई है, वीर है और ये एक जिसम दी तरह है। फरमाया इनू किसे मुसलमान दी तकलीफ इंज ही लगती है जिवें इहदे अपने वजूद दे अंदर अपने जिसम के अंदर परेशानी है और इनू अपनी तकलीफ अपने भाई की महसूस होंदी है। अज मेरे भाई किन्ना अरसा गुजर गया है, अल्लाहो अकबर अल्लाह तू अपने हालात का ते शिकवा करना है। करोना की वबा आई, कारोबार बंद हो गए, परेशानियां का सामना करना पिया, लेकिन तू शुक्र कर कि अल्लाह ने तेनू अपने दर ते झुकन की तौफीक दिती है, अल्लाह ने तेनू रिस्के हलाल की तौफीक दिती है, इबादत का जज्बा दिता है। वे कश्मीर दियां वादियां दे अंदर मुसलमान सजदे नू तरस रहे ने, इबादत वास्ते दुआ कर रहे ने और उन्होंने दिल के अंदर जज्बा ए जिहाद कैसा है, शौक ए शहादत कैसा है, उन्होंने दुआ ते इल्तिजा है अल्लाह जेकर सानू आजादी मिल जाए असी उदखुलू
फिस सिल्मी काफा दी तस्वीर बन जाइए और एहो ही नारा मेरे तुहाडे आबाद असी असी भी इस वादे ते इस नारे ते इस धरती ते रह रहे हैं लेकिन आजादी हासिल करके सूदी कारोबार कर रहे हैं बेहयाई नू तरवीज दे रहे हैं अल्लाह दी ना फरमानियां कर रहे हैं दिल दे अंदर अल्लाह दे दुश्मना दी मुहब्बत पैदा कर बैठे हैं। अज दा नौजवान इनू पसंद है कि मैं इंडिया दे इन्हों फनकारा ते बदकारा दे वालियम सुना उन्हां दी नकाली करा इन्हां दे जिहड़े बदनामे जमाना ने उन्हां नू अपना आइडियल ते हीरो मन्ना। दस मेरे भाई रोजे हशर होएगा कयामत दा दिन होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने की जवाब देवेगा। इस वास्ते मेरे भाई कदे रात दियां तरीकियां नू उठ के दुआ कर ले कर अल्लाह तू मैनू अल्लाह सर जमीन दिती अल्लाह मैं जिदों चावां तेरे दर ते झुक सकना अल्लाह तेरे सामने इबादत कर सकना अल्लाह तू ए सारियां तौफीकां दितियां ने आजादी ते शुक्र करिया कर। सूरे अनफाल कुरान अल्लाह फरमांदे ने वज़कुरु इज अंतुम कलीलुन मुस्तज़ाफूना फिल अर्ज़ अल्लाह फरमांदे ने याद करो ओ वेला जिदों तुसी थोड़े सो जमीन ते कमजोर जाने जांदे सो। ये नबी पाक दे सहाबा दी गल हो रही है वह भी थोड़े सन सहाबा कमजोर जाने जांदे सी दुश्मन तकबर करदा सी गरूर करदा सी। ये ते चंद एक गिने चुने लोग ने इन्हां नूं मिटा देंगे खातिमा हो जाएगा। और एहो ही गल फिरौन ने कही फिरौन कहिंदा सी असीं बच्चे मार देंगे असीं अपने सत्ता दा कोई बंदा ही नहीं खड़ा होण देंगे। अल्लाह फरमांदे ने जदों मैं आजादी देना चाहवां करे मूसा नूं परवरिश पा के करे मूसा नूं तरबीयत भी अल्लाह ने दिती है हत्थी जवान करके अल्लाह ने फिरौन दे मूसा दे हत्थों तखत उलट दिते ने। और जदों अल्लाह आजादी देण ते आए जिहड़ा तकबर करन वाला अबू जहल ये कहता है नबी पाक मक्क्यों मदीने चले ते गए ने चंद मुट्ठी पर जवान ने असी उन्होंने बा आसानी शिकस्त दे देंगे। अल्लाह फरमाते ने जिन्हों मैं इज्जत देवानू कोई जलील नहीं जे कर सकता। ये तो गल सच्ची है कि अल्लाह ही मदद करता है। मदद कौन करता है? मजलूमा की कौन मदद करता है? सारी कायनात की मदद करने वाला कौन है? लेकिन अल्लाह फरमाते ने कातिलुहुम मैं इन्हां दा खातिमा इन्हां दा कतल भी आई दी कुम तुहाडे हथों करवाना चाहना और मैं रब तुहाडे मुसलमाना ते हथों इन्हां यहूदो हनूद नू अल्लाह दे दुश्मना नू तुहाडे हथीं जलील करना चाहना। अल्लाह फरमाते ने निकल के ते वेखो मेरे रास्ते दे अंदर मालो जान दी कुर्बानी पेश करो मैं तुहानू अपनी जन्नत दा वादा कर दिया है तुहाडे नाल। फरमाया अपनी जान ते अपना माल मेरे रास्ते दे अंदर पेश करो मैं बदले दे अंदर तुहानू अपनी जन्नत अलाट फरमा देंगा। इस वास्ते मेरे भाई दिल दे अंदर शौके शहादत पैदा करना चाहिदा है जज्बाए जिहाद होना चाहिदा है। जदों जज्बाए जिहाद पैदा हो जाए निके निके बच्चे ने जेड़े इस उम्मत दे फिरौन अबू जहल दा गला काट रहे ने जदों जज्बाए जिहाद पैदा हो जाए उदों 17 साल नौजवान मुहम्मद बिन कासम मजलूमा नू जालिमा दी बस्ती तो निकाल देंदा है। अल्लाह कौन अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला है? मैं तारीख दी किताब दे अंदर पढ़ रहा सा कि मोतसम बिल्ला दा दौर है इंदी हकूमत दे अंदर एक बस्ती ते जुलम डाया जा रहा है। एक औरत ने निदात दिती आवाज बुलंद की ती आई ना मोतसिम ओए मोतसिम तू साडा खलीफा है हुक्मरान है तेरी हुक्मरानी दे अंदर साडे
ते जुलम कीता जा रहा है। ए औरत दा पैगाम, ए औरत दी आवाज उस वक्त दे खलीफा मुतसिम बिल्ला दे कोल पहुंच दी है। ए अपने तख्त तो नीचे उतरिया, अपनी रियाया नू नाल लेंदा है, कहिंदा है बस तुसी ए दसो कि वह इलाका केड़ा है, वह मकाम केड़ा है, वह जगह केड़ी है जिथे मुसलमान औरतों ते जुलम हो रहा है। मुतसिम बिल्ला ने यह नहीं पूछया कि उते फौज किन्नी है, किन्ने कु बंदियां दी लोड़ है, हालात कैसे ने, गर्मी है या सर्दी है, उते हालात कैसे ने, बर्फबारी है, सर्दी है या गर्मी है। मुतसिम बिल्ला ने ए औरत दी एक आवाज ते अपना तख्त छोड़िया, उस इलाके दे अंदर चला जाता है, ते जा करके ना ये अहद कर लेंदा है, उन्नी देर तक अपने तख्त ते नहीं बैठागा जिन्नी देर तक इस बस्ती वाले ते जुलम दा खात्मा नहीं करांगा। और तारीख शाहिद है चंद दिनों के अंदर उस इलाके नूं जालिमा दी, मेरे भाई जालिमा दी दस्तरस तो, जालिमा दे जुलम तो चंद रोज के अंदर बचा के तारीख के अंदर ये बात रकम है कि जज्बाए जिहाद नाल इस जालम बस्ती वाले नूं इस इलाके तो दूर कर दिता है। अज भी मेरे भाई इनकलाब आएगा, अज भी बहारा आनगियां, अज भी आजादियां मिलनगियां, जालिमा दे जुलम तो निजात मिलेगा। उनका तरीका की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वकातिलूहुम, फरमाया इन्हां दे नाल काफरां दे नाल लड़ो। अल्लाह किन्नी देर तक लड़िए, फरमाया हत्ता ला तकूना फितनतन, फरमाया जिन्नी देर तक फितना नहीं मिटदा, जिन्नी देर तक जालम अपने जुलम तो बाज नहीं आता, अपने घर सुकून ना नहीं बैंदा, अपनिया सरहदां तो चजावुज नहीं करता, अपनी दुनिया के अंदर अपने मामलात नू अपनी सत्ता तक नहीं रखता, फरमाया तुसी उन्नी देर तक लड़दिया रहना है, फितने दे खात्मे तक तुसी लड़ना है। तुहाडी इज्जत जिहाद दे अंदर है, तुहाडी इज्जत अल्लाह दे दीन दे अंदर निकलन दे अंदर है। अल्लाह फरमाते ने तुसी निकलना है, अल्लाह फरमाते ने तुहाडा काम है अल्लाह दे रास्ते दे अंदर निकलना, तुसी थोड़े होवोगे, मैं बहुतियां ते तुहानूं गलबा अता कर देंगा। मेरे भाई वेख तां सही ना, कितने माह गुजर गए, कितने माह ते महीने अयाम और साल गुजर गए ने, कश्मीर दे मुसलमान 71 साल तो जद्दोजहदे आजादी दे अंदर ए होई नारा ला रहे ने कि उन्हां दा ते साडा रिश्ता ला इला इला अल्लाह दी बुनियाद ते। मेरे नबी करीम अली सलाम ने फरमाया ला इला इला अल्लाह वाला रिश्ता इन्ना मजबूत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों एक रिश्ता है अखूवत दे अंदर परो देंदा है। इस वास्ते मेरे भाई मेरे नबी करीम अली सलाम दी जिंदगी दे अंदर जालिमा ते जुलम होया, आप अली सलाम ने कनूत फरमाई, और कनूत दा की तरीका है, आप अली सलाम तो सलाम दे 70 से आबा जिस वेले शहीद होए, इन्हां धोखा करके नबी पाक अली सलात व सलाम दे सहाबा नूं अपने इलाके दे अंदर कुरान दी तालीम वास्ते बुलाया, लेकिन ये जंगे मौता दे अंदर शहीद कर दिता है। मेरे आका अली सलाम ने एक महीना जालिमा वास्ते बद्दुआ कीती है, इन्हां वास्ते हर नमाज दे अंदर खसूसन जहरी नमाजा दे अंदर आखिरी रकच मेरे नबी पाक अली सलाम ने हाथ उठा के कनूत कीती है। पता की चलिया, जालिमा वास्ते जे हिदायत मुकद्दर नहीं उन्हां लई बद्दुआ मेरे पाक नबी ने कीती है। आप अली सलाम ने एक माँ उन्हां दुश्मनान वास्ते जिन्ना मेरे नबी पाक ने 70 सहाबा नूं शहीद कीता है, इत्थे 70 नहीं, 700 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कश्मीरी बच्चियां दा खून बहा दिता गया, औरतां नूं बेवा कर दिता गया, बूढ़ियां ते तलवारां उठाइया गईयां, और ये बेरहम हिंदू जिन्हां दा ये नजरिया है कि कश्मीर दे अंदर कोई जिंदा जान नहीं रहन देनी, और जिन्हां दा ये फैसला अटल होए असी मुहब्बत दी पींग बढ़ाने आ, असी याराने दे पैगाम देने आ। सुन लो कुरान, अल्लाह फरमांदे ने वलन तरजा
अनकल यहूदू वलन नसारा। अल्लाह फरमाते ने तुसी ओना दे नाल जिन्नी मर्जी दोस्ती मुहब्बत ओना दे नाल तिजारत ओना दे नाल मुआमलात कर लो, ए यहूदो नसारा यहूदो हनूद कदी भी तुहाडे ते राजी नहीं होणगे। हाँ एक गल ए ओ राजी हो जाणगे, तुसी ओना दा दीन मान लो ओना दे तरीकियां नू मान लो, तुहानू सीने लाणगे नहीं ते तुहाडे नाल नफरत नफरत करनगे। इन्हां दी नफरत तुहाडे नाल नहीं इस्लाम दे नाल नफरत है। इस वास्ते मेरे भाइयो ये दिल दे अंदर जज्बा पैदा करना है, नारे लगा के नहीं और सिर्फ पोस्टां शेयर करके नहीं, ये जज्बा पैदा करना है कि महमूद गजनवी दी तरह मुहम्मद बिन कासम दी तरह हज़रत मुसब बिन जुबैर दी तरह हज़रत मुअव्वज़ो मुआज़ दी तरह असी भी अपने जान ते माल दा नजराना पेश करना है। तो मैं गल कर रहा सां हज़रत अबू तलहा दी जिंदगी दी कि आप बूढ़े हो चुके सन, अपने बेटियां तो इजाजत लई, ओए मेरे बेटो मैनू अल्लाह ने बुला लिया है, इस वास्ते मैनू जिहाद ते जाना ही जाना है। पुत्रा के अब्बा जी तुसी बूढ़े हो चुके हो, आ फरमांदे ने तुसी कुरान नहीं जे पढ़ते, इन फिरू खिफाफन वसीकाला। अल्लाह फरमांदे ने जवानो बूढ़े हो जिथे दे भी रहन वाले हो, तुहाडे मुसलमान भाइयां ते जुल्म हो रहा है, तुसी अपनी खाबे गफलत दे अंदर सुते हो, ऐशो तनाउम दे अंदर हो, तुहानू आजादी इसलिए नहीं सी दिती कि तुसी अपने मजलूम मुसलमाना दा दर्द दीना वंडो, तुहानू आजादी इस नहीं सी दिती कि तुसी अल्लाह दी पाक जमीन ते सूदी कारोबार करो अल्लाह दे नाल शिरक करो। आजादी इस वास्ते दिती सी कि तुसी आजाद वतन दे अंदर रह के जेड़े लोग हिजरत नहीं कर सके और वो सताए गए उन्होंने वास्ते हर फॉर्म ते हर सतह ते आवाज बुलंद कर सको। मैं गल मुकदी मुकावा किवें आजादियां मिलदियां ने, हजरत अबू तलहा निकले निकलदियां निकलदियां समंदर दा सफर है, हजरत अबू तलहा एक बाहरी बेड़े दे अंदर बैठे ते चलदियां चलदियां इस कश्ती ने डगमगाना शुरू कर दिता है। हजरत अबू तलहा जिहाद दा रास्ता है दुश्मना तक पहुंचे नहीं, जज्बा ते सीना ओए तू कहना है कश्मीर पहुंचना ते बड़ा मुश्किल है, इत्थे ही तेनू गल्लां सुननियां पसंद नहीं जे लगदियां, जिहाद दा मौजू ही चंगा नहीं लगदा। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैं कुर्बान जावां बुढ़ापे दी हालत ते अंदर निकले समंदर दे अंदर शहीद हो जाते ने। सहाबा फरमाते ने हजरत अबू तलहा दा जसद मुबारक ढूंढदियां ढूंढदियां 7 दिन गुजर गए, 7 दिनों तो बाद हजरत अबू तलहा दा जसद खाकी मिलिया ते शहीद सहाबी रसूल दे वजूद चों खुशबुआं दे हुले आ रहे सन। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। इस वास्ते अपने दिल दे अंदर अल्लाह दे रास्ते दे अंदर कट मरन दा जज्बा पैदा करना है। आप अली सलाम ने फरमाया मजलूम दी मदद करो ते जालम दी भी मदद करो। सोने हो मजलूम दी मदद करना ते समझ आ गई है, जालम दी किवें मदद करनी है? आपने फरमाया अपने हाथ दी ताकत दे नाल जालम नू जुलम तो रोको, जुबान दी ताकत दे नाल रोको, हाथ दी ताकत दे नाल रोको और इस जालम नू अपने दिलों बुरा जानो और अपने दिलों अल्लाह दे जेड़े बंदे ने मुसलमान ने अल्लाह दे उन्हां बंदियां दे नाल दिलों मुहब्बत करो। अल्लाह मेरा तुहाडा जज्बा ईमानी पैदा फरमाए।